गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। जो भी छात्र छात्राएं 2021 के 10वीं के बोर्ड में अपीयर होंगे, यह चैनल खास करके उन्हीं के लिए क्रिएट किया गया है। इस चैनल पर आज से आपको डेली 2 वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी और कल से साथ ही साथ मैथ की भी वीडियो और एक साइंस की वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के बायोलॉजी के प्रथम लेसन जैव प्रक्रम अर्थात पोषण के बारे में, जिसके कुछ शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, अर्थात जीवों में प्रक्रियाएं जो होती है वो कैसे होती है और या किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता हो, अर्थात जिसके द्वारा जीव अपना बॉडी को डेवलप करें, जीवों का अनुरक्षण होता हो, जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता हो, जैव प्रक्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। पोषक तत्व के मतलब होते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, वसा, जो भी हम लोग भोजन या किसी भी तरह से ग्रहण करते हैं, वे सारी चीज़ें। तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, उसे लिखें। तो पोषण को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो होता है स्वपोषण, अर्थात स्वयं से किया जाने वाला पोषण, और इसे इंग्लिश में हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और नंबर 2 होता है परपोषण, अर्थात किसी पर निर्भर रहकर या किसी दूसरे पर डिपेंड रहकर किए जाने वाला पोषण, इसे हम लोग इंग्लिश में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए, तो आते हैं पहले टाइप पर, स्वपोषण कहते किसे हैं। तो देखिए, इसका आंसर स्वपोषण, एरो का अर्थ ही होता है किसे कहते हैं, क्या है, किस लिए है। तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात जो भी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं या ना करना स्वयं पर भोजन संश्लित करता है, वो स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से रोशनी ग्रहण कर और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। और नंबर 2 था इसका परपोषी पोषण। तो वह प्रक्रिया, इसका आंसर होगा, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लित ना कर, अपना भोजन स्वयं संश्लित ना कर किसी अन्य रूप से किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर रहता है या किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, वो क्या कहलाता है, परपोषी पोषण कहलाता है। जैसे जीव जंतु, कुत्ता, ये सभी चीज़ें हो गए। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से ये होता है, परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला क्या था आपका मृत जीवी पोषण, दूसरा था परजीवी पोषण, और तीसरा था प्राणी संपोषण पोषण, या प्राणी संपोषी भी आप इसे बोल सकते हैं। मृत जीवी को इंग्लिश में हम लोग स्पोरोफेटिक कहते हैं न्यूट्रिशन, परजीवी को पैरासिटिक, और प्राणी संपोषण को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आइए पता करते हैं मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। क्वेश्चन है आपका, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, या इस प्रकार के पोषण में जीव जंतु और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सत्ता से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप से अवशोषित करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो इस प्रकार से होगा कि इस प्रकार के पोषण में जीव जंतु हैं जो मरे हुए होते हैं, मृत जीव जंतु हैं, और पौधे के शरीर से, जो कोई पौधा सर गल जाता है तो उसके शरीर से कार्बनिक पदार्थ, अर्थात जो उनके शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं, उन्हें वे वहाँ से अवशोषित या ग्रहण करते हैं। अब जैसे इसके एग्जांपल में देखिए, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि, ये सभी सरे गले शरीर से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। नंबर 2 जो प्रकार था वो था परजीवी पोषण। परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणियों के संपर्क में
में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। अब इसमें कुछ देखिए, जैसे कि कवक, जीवाणु, गोल कृमि, मलेरिया, परजीवी, ये सभी इसके एग्जाम्पल हुए। और लास्ट प्रकार है इसका प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में आएगा कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं। ठोस या तरल के रूप में, जैसे हम लोग किसी भी तरह के भोजन को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार होगा कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हो, वो कभी क्या कहलाते हैं, प्राणी पोषण कहलाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल रख लें मेंढक, मनुष्य, जैसे मनुष्य के रूप में समझते हैं, तो मनुष्य में इतना इस प्रकार के क्षमता और इस प्रकार के शरीर में विलक्षणिक गुण होते हैं, वो किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम होते हैं, तो वो सभी प्राणी संपोषण में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अक्सर दिख जाएगी पूछी हुई। तो इसका आंसर होगा, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं, जिस प्रक्रिया या जिस विधि द्वारा या जिस क्रिया के द्वारा, उस मूलभूत प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, वही प्रक्रिया, वही मूलभूत प्रक्रिया जो होती है उसकी, वो क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। एक नोट कर लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ज़रूरी काम आने वाले चार कच्चे पदार्थ जो मुख्य रूप से होते हैं, जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, कच्चे पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, जल अर्थात H2O, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सूर्य के प्रकाश महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को दबा के जाएं तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज से आपको डेली यहाँ दो वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी और कल से मैथ के साथ साइंस का एक वीडियो आपको दे दिया जाएगा। और जब हम लोग साइंस कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग सोशल साइंस, और सप्ताह में एक दिन आपका हिंदी पढ़ाया जाएगा जो कि संडे का दिन होगा। हिंदी भी हम लोग साथ लेते चलेंगे ताकि आगे चल के किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे वो ग्रामर हो या बुक का हो, वो सभी आपको पढ़ा दिया जाएगा।